उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद रामलीला मैदान में PACL इंडिया लिमिटेड तलपतरू साई प्रसाद जी CA सहारा अन्य कंपनियां के निवेशकों एवं एजेंटों ने रामलीला मैदान में एक जनसभा का ऐलान किया। कीफली भुगतान बाद में मतदान होगा। हजारों की संख्या में भीड़ रही। पंजाब से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने कहा, हमारे भारत देश में 6 करोड़ निवेशक हैं, जो सरकार हमारी मदद करेगी उसी की सरकार बनाएंगे, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और बताया 2 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर करोड़ों की संख्या में धरना रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी PACL जैसी अन्य कंपनियों के बारे में सुनाएंगे। जनसभा में पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह, महासचिव रविशंकर गौतम मुरादाबाद, रामदेव गौतम मथुरा, महामंत्री विकास त्रिपाठी सोनू निगम संचालन कर रहे। जिलाध्यक्ष श्याम पाल गुप्ता ने कहा कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, नहीं तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर निजामुद्दीन, अखिलेश कुमार, JP शर्मा, यतीन्द्र प्रताप सिंह, अन्य मंच पर सैकड़ों लोग एवं महिलाएं मौजूद रही। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जो आज बाहर है उनसे बहुत दुखी है, क्योंकि लोगों के जो तकलीफ है, लोगों के जो मुद्दे हैं, जो राजनीतिक लोग उन्हें दूर करने से भाग रहे हैं। आज हम एक मुद्दे को लेके फिरोजाबाद में आए हैं, जैसे फिरोजाबाद के लाखों परिवार पीड़ित हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिन्होंने आके सेविंग के नाम पे पैसा इकट्ठा किया, और वो कंपनी अब लोगों का मैच्योरिटी डेट पूरे होने के बाद पैसा रिफंड नहीं कर रही है। उसका बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें पैसा रिफंड करने से रोक रहे। वो कौन कौन सी कंपनी है? PACL, पिनकॉन, शारदा, रोज वैली, अदर साई प्रसाद, सैकड़ों कंपनी, जस्ट सैकड़ों। मैं कहूँगा अगर ऐसी जांच की जाए स्पेशल उन कंपनियों की नाम और उनकी गिनती करनी पड़े तो CBI को भी 1 साल लग जाएगा, और उसके लिए जिम्मेवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इन लोगों का पैसा दिलाने के लिए पूरे इंडिया में हर शहर हाउ गांव तक पहुँच करें, वही रास्ते चलते चलते आज फिरोजाबाद में आए, क्योंकि हमने 25 नवंबर को इन पीड़ित लोगों को साथ लेके एक राजनीतिक दल का गठन किया है, भारतीय लोक सेवा दल। उसी के पर्पज में आज हम फिरोजाबाद आए हैं, और आज हम जहां किसी न किसी जुझारू साथी को, जो लोगों के लिए पिछले समय से लड़ रहा है, उसे जहां आने वाली जो लोकसभा चुनाव है 19 की, उसके लिए कैंडिडेट घोषित करके जाएंगे। बताया जा रहा है कि 2 फरवरी को जंतर मंतर पर कुछ लोग धरना देंगे। हाँ। क्या मामला है पूरा? वो यही है कि हम दे रहे हैं धरना, हम पीड़ितों को लेके हम धरना दे रहे हैं, और सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि जो मोदी सत्ता में है और लोकसभा चुनाव से पहले पहले इन लोगों की समस्याओं का हल कर दे, नहीं करेगा तो हम लास्ट वार्निंग है 2 फरवरी को, उसके बाद हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और अपनी जो संख्या है आने वाली जो 19 में सरकार चुनी जाएगी उसे अपनी गिनती दिखाएंगे। आखिरकार है किसका राज है जो सब पैसा नहीं मिल पा रहा है इन कंपनियों से? ये जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे आज की पार्टी जो सत्ता में बैठी है या कांग्रेस जो पहले, ये मेन जिम्मेवार ये है, क्योंकि इन्होंने इन कंपनियों को लाइसेंस दिए, खुल दी कि जाओ बेरोजगारों को उठाओ और उनके जरिए लोगों का पैसा इकट्ठा करो। और आज ये दोनों पार्टी हैं, बड़ी दोनों पार्टी कांग्रेस और BJP दोनों ही इस मुद्दे से भाग रही हैं, क्योंकि आधे देश में से ज़्यादा स्टेटों में BJP बैठी है और कुछ स्टेटों में कांग्रेस है, और स्टेट लेवल पे भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पर इस पार्टियाँ दोनों भाग रही हैं। ये दोनों जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने अपना फंड जो जिससे ये इलेक्शन लड़ते हैं ना, उसको इकट्ठा करने के लिए, कंपनी से लेने के लिए, जो लोगों को लटवाते हैं, और इसके लिए जो जिम्मेवार भी दोनों पार्टी। क्या निवेशकों का पैसा मिल पाएगा अन्यथा नहीं? बिल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता जा पार्लियामेंट में ही चली जाती है, हम इन जो भी 19 में सरकार बनेगी उनको मजबूर कर देंगे कि लोगों का पैसा वापस करें, पैसा गवर्नमेंट के या सरकारी खजाने से नहीं मिलना। आखिरकार निवेशक कब तक इंतजार करें? देखो, निवेशक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारा तो ये है कि 4 मंथ हमारा जैसे लोग साथ दे दें, ओनली चार मंथ अपनी वोट की शक्ति इनको दिखा दें, तो सरकार बनते ही पहली समस्या का हल जो भी 19 में सरकार। PACL निवेशकों की ज्यादा आवाज आती है, उनका कहना है पहले भुगतान बाद में मतदान, क्या यही होगा? बिल्कुल, देखो ये उन पार्टियों के लिए है, उन पार्टी है, हमारी सरकार बनाने से पहले का जो नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान,
अब हम आप पार्टी बना के आ गए, अब हम अपने लिए नहीं बोलते, उनके लिए बोल रहे हैं, यानी बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा उनके लिए है ये नारा।